नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। पंचकुला में जननायक जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी, यह कहना है विधायक रामकरण काला का। जजपा इन भाईचारे के चुनावों में मजबूत पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारेगी। आपको बता दें कि पंचकुला में पंचायती राज चुनाव को लेकर जजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नियुक्त किए गए दोनों प्रभारियों श्री रामकरण काला विधायक शाहबाद एवं रणधीर चीका प्रदेश अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने जजपा पंचकुला के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जननायक जनता पार्टी के शहरी जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग एवं ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदवा सहित सभी मुख्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में जिले के सभी 10 जिला परिषद की सीटों बारे पार्टी के तरफ से उम्मीदवार घोषित करने बारे गहनता से विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में सभी पदाधिकारियों की राय जानी गई तथा निर्णय भी लिया गया कि पार्टी चुनाव में जिला परिषद के पदों पर पार्टी समर्थित मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएगी, पर वो उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़कर आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इस मीटिंग में हर सीट बारे काफ़ी मंथन हुआ। 5 वार्डों में उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने बारे सहमति बनी, बाकी के वार्डों बारे मजबूत उम्मीदवार उतारने बारे अगले 2 दिन के भीतर पदाधिकारियों को तैयार करने बारे कहा गया। जजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बनाए गए प्रभारी रामकरण काला ने कहा कि पंचायतों के चुनाव गांवों में आपसी भाईचारे के चुनाव होते हैं। पार्टी इन चुनाव में पार्टी सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतारकर गांव का भाईचारा खराब नहीं करना चाहती। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये स्थानीय चुनाव होते हैं तथा स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं। पार्टी द्वारा बनाए गए दूसरे प्रभारी रणधीर चीका ने कहा कि गांवों में पार्टी का आधार मजबूत है और उनके कार्यकर्ता उस पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे जो गांव में आपसी भाईचारा रखने के साथ साथ ईमानदारी से अपनी जिला परिषद के क्षेत्र में पड़ने वाले गांव के कुछ विकास के बारे में सोचेगा, उन गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा।